अरे बैठो ना सर, ये हमारे साथ नहीं बैठ सकते सर। क्यों? क्योंकि ये लोग। कौन लोग? ये लोग अलग है सर। अलग मतलब? मतलब कि छोटी जात के हैं। हम खड़े होके पढ़ लेंगे सर। हाँ सर। तुम सब बाहर जाओ। पर हमने क्या किया सर? गेट आउट। चलो नोट करो, स्पीड इसका मतलब होता है रफ्तार। तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? सर ने कहा कि बाहर जाओ। पर क्यों? टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एवरेज स्पीड। मैडम 5 मिनट्स प्लीज। मैडम थैंक यू। एक ऑब्जेक्ट जब निर्धारित समय में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो उसे कहते हैं टाइम यूनिट। सब समझ गए? समझ गए। अच्छे से समझे ना? हाँ सर। वेरी गुड, गेट आउट। जाओ जाओ। अब तुम लोग अंदर आओ। वेलोसिटी मतलब वेग की दिशा, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन को भी इक्वेशन में लाते हैं। यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकेंड। सब समझ गए? हाँ सर। सब लोग अंदर आओ। सब खड़े हो जाओ। चलो चलो जल्दी गेट अप। आज मैंने दो टॉपिक समझाए हैं। पहला है स्पीड, दूसरा है वेलोसिटी। मैं दोनों टॉपिक्स पे टेस्ट लूंगा, सब तैयारी करके आना। हाँ? लेकिन सर हमें तो सिर्फ स्पीड सिखाया है। पर सर आपने तो हमें सिर्फ वेलोसिटी पढ़ाई है। आज मैंने दोनों टॉपिक सिखाए हैं, पहला है स्पीड, दूसरा है वेलोसिटी। दोनों टॉपिक्स पे टेस्ट लूंगा, तैयारी करके आना। सर ये तो गलत है सर। क्यों गलत है? हाँ सर, सिखाए बिना हम टेस्ट कैसे देंगे? तुम लोगों को इस बात से तकलीफ हो रही है कि मैंने एक टॉपिक का दो लोगों में बंटवारा कर दिया, लेकिन पता नहीं कितने सालों से तुम लोग इंसानियत का बंटवारा कर रहे हो, वो भी जाति के नाम पर। उससे तकलीफ नहीं हो रही है? हाँ ये तो हमारे साथ भी नहीं बैठते सर। ये तो गांव है, यहां तो चलता होगा। शायद आगे चल के तुम लोग किसी शहर में ग्रेजुएशन के लिए जाओगे, क्या वहां भी भेदभाव करोगे? और पढ़ लिख जाओगे तो अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, और हो सकता है तुम्हारा बॉस नीची जाति का हो। छी, मैं काम नहीं करूंगा ये बोल के मना कर दोगे? मैं तुम सबको इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, क्या तुम्हें मेरी जाति पता है? जानना जरूरी नहीं समझाना। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो तुमने जानना जरूरी नहीं समझा। सत्तू से जब तुमने अपना होमवर्क करवाया तब तो तुमने उसकी जाति नहीं देखी। क्यों? क्योंकि जरूरतें जात पात नहीं देखती। जब ऊपर वाले ने बनाते वक्त भेदभाव नहीं किया तो हमें भी भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें माफ कर दीजिए, हम सबको साथ में पढ़ाइए। नहीं, आज मैंने तुम सबको दो टॉपिक सिखाए, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। सर सर सर, पर हमने क्या गलती की है? ए वीरा, सर ने जो सिखाया वो तुझे समझ में आया ना? हाँ समझ में आया। ठीक है तो मैं तुझे स्पीड सिखाता हूँ और तू मुझे वेलोसिटी सिखा। ठीक है ना? आजा पद्मावती, आजा।